हेलो चैंपियंस वेलकम बैक टू लेट स्कोर हंड्रेड दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेंटर स्टेट रिलेशंस व्हाट डू वी मीन बाय सेंटर स्टेट रिलेशंस बेसिकली आप लोग जानते हैं कि जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बहुत ही सिंपल भाषा में फेडरलिज्म मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी राइट सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी मोदी जी बोल सकते हैं आप राइट दूसरा वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मींस वेरियस स्टेट गवर्नमेंट सो बेसिकली जो पावर का जो डिवीज़न है अमंग बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म राइट और आप लोग जानते हैं कि इस पर अगर पांच फाइव मार्कर का जो क्वेश्चन बनेगा तो क्या क्वेश्चन बनेगा हाउ इज फेडरलिज्म इन इंडिया अगर ये फाइव मार्कर्स में आता है तो इसमें हमें तीन टॉपिक्स कवर करने होंगे जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बट ध्यान दीजिए आपका आंसर 120 ट्वेंटी वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे ज्यादा आप लिखेंगे तो आपका दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो टाइम है कम पड़ जाएगा और जाहिर सी बात है फाइव मार्कर है तो फाइव मार्क्स तो मार से ज्यादा तो मिलने वाले नहीं है ना तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड लैंग्वेज पॉलिसी एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स राइट बेसिकली थोड़ा सा अगर हम लोग रिकैप करें तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब क्या हुआ हमारे यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्टेट्स बनाए गए हैं राइट और लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब क्या है हमारे यहां कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों राइट तो चलिए हम लोग आज सेंट्रल सेंटर स्टेट रिलेशंस पे फोकस करेंगे और एक चीज आप लोग और जान लीजिए इस पर थ्री मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है अगर थ्री मार्कर क्वेश्चन आएगा तो वह क्वेश्चन क्या होगा क्वेश्चन हो सकता है हाउ हैज सेंट्रल हाउ हैज सेंटर एंड स्टेट स्टैंड इन द फेडरलिज्म इन इंडिया ये थ्री मार्कर में आ सकता है तो चाहे चलिए आइए पढ़ते हैं इस टॉपिक को तो पहला हमारा जो सेंटर स्टेट रिलेशन है तो सेंटर और स्टेट का रिलेशन मतलब ही होता है फेडरलिज्म यानी सेंटर अपनी पावर्स को यूज करेगा और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी पावर्स को यूज करेंगी है ना तो आइए देखते हैं तो हम लोग इसका मतलब ऑलरेडी समझ चुके हैं कि वाट डू वी मीन बाई सेंटर स्टेट रिलेशन सेंटर स्टेट रिलेशन इज बेसिकली डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन दीज टू गवर्नमेंट्स राइट right? अच्छा जो सेंट्रल स्टेट का रिलेशन हमें पढ़ना है तो उसको हम मेनली टू पार्ट में डिवाइड करेंगे सेंट्रल स्टेट का रिलेशन को पढ़ने के लिए सेंट्रल स्टेट का रिलेशन बिफोर 1990 सेंट्रल स्टेट का रिलेशन यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट है उनका रिलेशन बिफोर नाइनटीन कैसा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन आफ्टर नाइनटी नाइनटी कैसा हो गया था या कैसा हो गया है आइए देखते हैं पहला पॉइंट पहला पॉइंट है हमारा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग वर्ड पे ध्यान दीजिए रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशन इन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथेंड इन प्रैक्टिस अब री रीस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या हो बिफोर 1990 कुछ और सिनेरियो था राइट एंड आफ्टर 1990 कुछ और सिनेरियो हो गया तो जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन था वो रीस्ट्रक्चर्ड हो गया बदले में क्या हुआ हमारा जो फेडरलिज्म की प्रैक्टिस है कंट्री में वो और स्ट्रेंथेंड हो गया यानी स्टेट और रिलेशन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशन और मजबूत हो गए कुछ जरूरतों के चलते वो मेनली दो बहुत बड़ी जरूरतें थी उसको हम अभी दूसरे स्लाइड में पढ़ेंगे पहले हम इस पर फोकस करते हैं पहला 1990 से पहले का रिलेशनशिप था हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेजमेंट आप लोग जानते हैं कि हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं पावर शेयरिंग को लेकर के यूनियन लिस्ट है स्टेट लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट है है ना सो हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ रूलिंग पार्टीज रूलिंग पार्टीज एट द सेंटर एंड रूलिंग पार्टी इन वेरियस स्टेट्स राइट अभी जैसे सेंटर में रूलिंग पार्टी कौन है बीजेपी है और उसके साथ ढेर सारे और पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स में, में, में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल है राइट राजस्थान में कांग्रेस है अशोक गहलोत हैं और उसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट है राइट सो हाउ द रूलिंग पार्टीज इन द सेंट्रल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टीज इन वेरियस स्टेट गवर्नमेंट डेली में अरविंद केजरीवाल के गवर्नमेंट है तो ये लोग रियलिटी में जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है उसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज है कि उनका जब वो रूल्स कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो की गई है उनको इंप्लीमेंट करते समय इनकी इंटेंट क्या है नियत क्या है नियत जनता की भलाई करना है या एक दूसरे को परेशान करना है अगर एक दूसरे को परेशान करना होगा तो ये हो गई ममता दीदी हमेशा मोदी जी को कुछ कुछ बोलती रहती हैं अब मोदी जी ममता दीदी को कुछ कुछ बोलते रहते हैं और दूसरा हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं इनका और मोदी जी का क्या रिलेशन आप सभी जानते हैं राइट तो अगर नियत अच्छी है नियत मतलब क्या गवर्नमेंट किस लिए बनी है ये जनता की भलाई के लिए बनी है हमारे लिए आपके लिए हमारे लिए डेवलपमेंटल वर्क करने के लिए बनी है राइट right? तो अगर वो करेंगे तो रिलेशंस सेंटर और स्टेट के रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे नहीं तो अदरवाइज ये दो एग्जाम्पल काफी हैं आपको समझाने के लिए चलिए नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड uh, किया था कि डिवाइड करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन को सो देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया बिफोर वन नाइन नाइन जीरो 1990 से पहले कैसे नहीं रहे था देखिए बहुत ध्यान से समझिए मैं आप अगर आप ध्यान से सुने आपको सारा का सारा याद हो जाएगा देखिए 1990 से पहले क्या था देखिए हमारे यहां पहला जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था वो आजादी के बाद पहला जनरल इलेक्शन हुआ था नाइनटीन में नाइनटीन में जो जनरल इलेक्शन हुआ आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अंग्रेजों को भारत भगाने में उसका अंग्रेजों को भारत से भगाने में उसका बहुत बड़ा रोल था तो जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस पार्टी को उस समय लोकसभा में 489 सीट्स थी राइट right? 489 सीट्स में से कांग्रेस पार्टी को 364 सीट्स मिली राइट right? मतलब और जो सेकेंड पार्टी आई थी मतलब जो जिस पार्टी को सेकेंड प्लेस मिला था 1952 के जनरल इलेक्शन में वो थी सीपीआई, और सीपीआई को केवल 16 16 लोकसभा की सीट्स मिली थी आप समझ सकते हैं यानी एक पार्टी को आउट ऑफ यानी कांग्रेस पार्टी को आउट ऑफ 489 364 और जो सेकंड प्लेस पे जो पार्टी है उसको जस्ट 16 मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कांग्रेस को कितना बड़ा फायदा मिला उसका आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट करने का राइट अच्छा जो उसके बाद जो 1952 के बाद 1957 में भी इलेक्शन हुआ फिर 1964 में भी इलेक्शन हुआ तो इन तीनों जनरल इलेक्शंस में चाहे वह फिफ्टी का रहा हो चाहे 57 का रहा हो चाहे 64 का रहा हो कांग्रेस ने सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाई राइट तो इतना बड़ा कांग्रेस का डोमिनेंस था आइए देखते हैं दूसरे पॉइंट में क्या है फॉर अ लॉन्ग टाइम क्या लॉन्ग टाइम नहीं होगा फिफ्टी से लेकर सिक्सटी तक 15 स्टेट इन कांग्रेस ने सेंटर में गवर्नमेंट बनाई फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी विच इज कांग्रेस हियर रूल्ड बोथ एट द सेंटर सेंटर में तो आप लोगों ने देख लिया इंटरप्टेड एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स देखिए जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था उसमें तो कांग्रेस को सेंटर में तो मेजोरिटी मिली ही मिली थी स्टेट गवर्नमेंट्स में लगभग हर लगभग नहीं सारे स्टेट में स्टेट की गवर्नमेंट जहां पर कांग्रेस मेजोरिटी कम थी वहां उन्होंने दूसरे जो छोटी पार्टी थी उनसे uh, मिलकर के गवर्नमेंट बना ली थी राइट right? तो इस तरीके से फर्स्ट जनरल इलेक्शन में भारत सरकार यानी सेंटर में तो कांग्रेस सर... की सरकार थी ही थी सारे स्टेट्स में भी कांग्रेस की सरकार थी पहले इलेक्शन की बात होगी दूसरा अच्छा इसका क्या असर पड़ेगा कि भाई सेंटर में भी सेंटर में भी एक ही पार्टी यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट है सारे स्टेट्स में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है इसका क्या असर पड़ेगा कि अब जो स्टेट चूंकि सेम पार्टी है सेंटर और स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती थी वो देखती थी कि जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहने वाले हैं जो वो कहेंगे वही कर देती थी यानी वो ऑटोनॉमस नहीं थी एक बार देखते हैं दिस मेंट दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स जैसे आजकल क्या है अब सेंटर में मोदी गवर्नमेंट है जितने भी बीजेपी रूल स्टेट्स हैं मोदी जी की जो हवा तो नहीं कहे मोदी जी काम भी करते हैं तो मोदी जी के इशारे का इंतजार करते हैं क्या करना है सेम यही सिनेरियो था जवाहरलाल नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे और लगभग सारे स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट्स थी राइट तो इस स्टेट की ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है सेंट्रल लीडरशिप का वेट कर आपको इसका एक रीजन और भी है क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप ही डिसाइड करती है कि किस स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा कई बार आप लोग अगर न्यूज को ध्यान से सुनिए तो ये जो जब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि हमारा हाई कमांड डिसाइड करेगा हाई कमांड कौन होता है जो पार्टी चीफ होता है चाहे वो कांग्रेस का पार्टी चीफ हो चाहे बीजेपी का पार्टी चीफ हो जो भी पार्टी चीफ होगा वो पीएम की बात तो मानेगा ही मानेगा राइट चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं एज एंड वेट देखिए ये ये तो सिचुएशन हो गई अब देखिए पहले केस की वजह से क्या हुआ जब सेंटर में भी सेम पार्टी की गवर्नमेंट है और वेरियस स्टेट्स में भी सेम पार्टी की गवर्नमेंट है तब भी स्टेट गवर्नमेंट एक ऑटोनोमस यूनिट की तरह काम नहीं कर सकती क्योंकि हाई हाईकमान जो कहेंगे वही होगा जैसा कि आपने दूसरे पॉइंट में देखा अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है जब सेंटर में एक पार्टी की गवर्नमेंट है और लग मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में एक पार्टी की गवर्नमेंट है बट कहीं एक एक या दो स्टेट्स में आ, मतलब किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है इस केस में आप लोग समझ पाएंगे देखिए एज एंड वेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वॉज डिफरेंट द पार्टीज दैट रूल्ड एट द सेंटर इस केस में क्या है कांग्रेस ट्राइड टू अंडरमाइंड द पावर ऑफ द स्टेट्स इसका एक एग्जाम्पल भी है पहले जनरल इलेक्शन जो कि नाइनटीन फिफ्टी 1952 में हुआ उसमें तो सेंटर में भी कांग्रेस थी और वेरियस लगभग सा, सारे स्टेट्स में लगभग नहीं सारे स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी बट जो दूसरा जनरल इलेक्शन हुआ 1957 में हर जगह कांग्रेस थी सारे स्टेट्स में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेंटर में तो कांग्रेस थी ही बट एक स्टेट ऐसा था केरला वहां पर सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट थी राइट और ईवीएस वहां के चीफ मिनिस्टर थे है ना अब देखो कांग्रेस ने क्या किया एक बिफोर नाइनटीन नाइनटी बहुत फेमस हथियार हुआ था हथियार होता अब भी है आर्टिकल 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 यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 356 दिया है उसका मतलब क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे उस स्टेट गवर्नमेंट के डिसमिस करके वहां पे प्रेसिडेंट का रूल और प्रेसिडेंट का रूल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल राइट तो जब नाइनटीन में सीपीआई की गवर्नमेंट बनी वहां पर केरला में और वहां पे ईवीएस उनको पॉपुलरली ईवीएस बोलते हैं राइट ईवी आई एम ईवीएस या ईवीएम आई एम नॉट श्योर आई एम फॉरगेटिंग राइट तो वहां के जो बेसिकली 1957 में जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे राइट right? केवल दो साल में 1957 में इलेक्शन और 1959 में उनकी गवर्नमेंट को हटा दिया और वहां पे आर्टिकल 356 को यूज करके वहां का क्या वहां प्रेसिडेंट का अप्लाई कर दिया ठीक है अब देखते हैं ये इसका एग्जाम्पल हो गया कि एज एंड वेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट वॉज डिफरेंट तो रूलिंग पार्टी स्टेट में क्या थी सीपीआई थी है ना द पार्टीज दैट रूल एट द सेंटर सेंटर में कौन रूल कर रहा था जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी पावर ऑफ द पॉवर उसको सस्पेंड करते थे आर्टिकल 356 को यूज करके तो जो कर, केरला के जो चीफ मिनिस्टर थे उनको उनकी गवर्नमेंट को क्या-क्या सस्पेंड -क्या? कर दिया यूजिंग आर्टिकल 356 अब क्या हुआ इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट वर कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टीज तो आप देखते हैं जो तीसरा पॉइंट है और चौथा पॉइंट है ये सेंटर के द्वारा आर्टिकल 356 को मिसयूज करने की कहानी बताता है उस केस में जब सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है और स्टेट में कोई अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट बन गई है पहला केस क्या था पहला केस ये था पहला और दूसरा पॉइंट क्या बताता है पहला और दूसरा पॉइंट ये बताता है कि जब सेंटर में भी सेम पार्टी है और वेरियस स्टेट्स में भी सेम पार्टी यानी कांग्रेस है तब भी स्टेट गवर्नमेंट से ऑटोनॉमस यूनिट काम नहीं कर पाती थी क्योंकि हाई हाईकमान का उनको इंतजार रहता था हाई हाईकमान क्या कहेंगे वही काम होना है राइट चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है अब इस वजह से क्या होता था चाहे पहला केस रहा हो चाहे दूसरा केस रहा हो दोनों केस में इंड स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म और स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म क्या कहता है स्पिरिट ऑफ फेडरिज्म कहता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर का और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट की पावर का क्लियर डिवीजन है और दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने डिसीजन लेंगे राइट बट ऐसा नहीं हो रहा था दोनों केसेस में नहीं हो रहा था चलिए अब यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये पंडित जवाहर लाल नेहरू जी हैं और ये केरला के जो सीपीआई पार्टी के चीफ मिनिस्टर बने थे नाइनटीन 1957 फिफ्टी सेवन में नाइनटीन फिफ्टी विद इन टू ईयर्स इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया था ये हैं ई वी मैं लास्ट वाला नाम बोल रहा हूं एम है या एस है इनका ये क्योंकि साउथ इंडिया में जो नेम्स होते हैं ना थोड़े से बड़े बड़े होते हैं तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि ईवीएस है या ईवीएम है बट आई एम श्योर कि इन दोनों में से कोई एक है तो जवाहरलाल नेहरू जी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे उन्होंने इनकी जो सीपीआई पार्टी के चीफ मिनिस्टर बने थे ये पहली किसी स्टेट में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी राइट ये इनका क्लियर पिक्चर आप लोग यहां देख सकते हैं तो डिसमिस की गई थी राइट चलिए अगली स्लाइड पे मूव करते हैं नाउ, अब लोग अब हम लोग जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1990 से पहले क्या था हमने देख लिया यानी स्टेट गवर्नमेंट्स वो जो पावर मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से वो उसका फुल यूज नहीं कर पा रहे थे राइट right? दोनों में आपने देख लिया है ना चलिए अब हम देखते हैं स्टेट इन इंडिया आफ्टर आफ्टर 1990, 1990 के बाद क्या चेंज हो गए कि बहुत प्यार बढ़ गया इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में इसकी भी दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं एक तो सुप्रीम कोर्ट और दूसरा जो खुद पॉलिटिकल पार्टीज जो सेंट्रल में Central में गवर्नमेंट्स बनाती थी इसमें देखिए मेनली दो दो अलायसेज हैं एक तो अपना यूपीए जो अब अब इंडिया बन गया है आप लोग इंटरनेट पे जरूर सर्च करिएगा यूपीए यूपीए का का नाम बदल करके इंडिया और कौन लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी राइट और एक है बीजेपी जिसे बोलते हैं एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राइट आइए पढ़ते हैं भी बड़ा इंटरेस्टिंग है देखिए ऑल दिस चेंज्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर नाइनटीन क्या पॉलिटिशियंस के दिल बदल गए मतलब चेंज ऑफ हार्ट हो गया नहीं जरूरत ही ऐसी पड़ गए उनकी कि उनको जो रीजनल पार्टीज थी यानी जो स्टेट लेवल की पार्टीज थी उनको वैल्यू देना जरूरी हो गया और उनकी ऑटोनोमी की रिस्पेक्ट करना जरूरी हो गया आइए देखते हैं कैसे दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पोलिटिकल पार्टीज आफ्टर नाइनटीन नाइनटी क्या हुआ अब देख लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश में ढेर सारी स्टेट लेवल की पार्टीज देखिए आप लोग तो जानते हैं आप लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर में पढ़ा है कि दो तरह की पॉलिटिकल पार्टी होती हैं एक एक तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी दूसरी होती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा मशहूर है कांग्रेस एंड बीजेपी राइट अब क्या हुआ नाइनटीन के बाद ढेर सारी रीजनल पार्टीज बनी जैसे यूपी में देख लीजिए मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी मायावती की बहुजन मायावती एंड कांशीराम की बहुजन समाजवादी पार्टी उसके बाद अगर आप तमिलनाडु की बात करें ए आई डी एम के एमजीआर या जयललिता जी की पार्टी डीएमके राइट उसके बाद अगर पंजाब में आप बात करें पंजाब में अकाली दल राइट और बिहार की बात कर लेते हैं बिहार में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड रामविलास पासवान हालांकि वो अब तो नहीं रहे उनकी पेटी चिराग पासवान एक लोक जनशक्ति पार्टी है राइट उसी तरीके से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस तो ढेर सारी स्टेट्स में ये पॉलिटिकल पार्टीज बनी ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका उन पर्टिकुलर स्टेट्स में बहुत पकड़ थी जनता जैसे नवीन पटनायक बीजू जनता दल जो है नवीन पटनायक की वो उड़ीसा में आप लोग इंटरनेट पर सर्च करेगा आपको ताजु होगा करीब पंद्रह बीस साल से वही चीफ मिनिस्टर बने जा रहे हैं आई थिंक बहुत जल्दी इलेक्शन होने वाला है उनका आई थिंक पांचवी बारह स्टेट वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं तो इनका जो रीजनल पार्टीज है हैं, हैं इंडिया की उनका उन पर्टिकुलर स्टेट्स में बहुत पकड़ होती थी तो अब देखिए क्या कहानी है आगे पढ़ते हैं फिर देखते हैं सो दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पोलिटिकल पार्टीज इन इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री जैसे मैंने बात किया कि हम लोगों ने वेस्ट बंगाल की बात करी उत्तर प्रदेश की बात करी राइट हम लोगों ने बिहार की बात करी तमिलनाडु की बात करी है ना आइए देखते हैं अब देखिए क्या हो रहा है कहानी कैसे चेंज हो रही है 1990 नाइनटी के बाद कहानी कैसे चेंज हो रही है दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट अब पहले समझते हैं कॉलिशन क्या होता है एक्चुअली 1990 के बाद जब लोकसभा के इलेक्शंस होते थे तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी न तो कांग्रेस को पूरी मेजोरिटी मिल पाती थी और न बीजेपी को अब थोड़ा सा समझते हैं देखिए अभी हमारे यहां लोकसभा में लोकसभा में, में 543 सीट्स हैं राइट फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री सीट का जो इलेक्शन होता है बाकी टू जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं इसलिए हमने उसे नहीं लिखा। अब फाइव फोर्टी थ्री सीट है तो वही पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी जिसको टू सेवन टू यानी हाफ से एक वोट ज्यादा टू सेवेंटी टू सीट जिससे मिलेगी लोकसभा वही गवर्नमेंट बनाएगी अब ना तो बीजेपी को आफ्टर नाइनटीन नाइनटी की बात कर रहा हूं ना तो बीजेपी को और नहीं आई एन सी बोलेंगे इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस ना तो बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिल रही थी यानी टू हंड्रेड टू और न ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को अब इनकी मजबूरी बन गई कि जो रीजनल पार्टीज थे जैसे यूपी मुलायम सिंह जी की हो गई है ना और आ, अपना तमिलनाडु में डीएमके या एआईडीएमके हो गई बिहार में नीतीश कुमार की या लालू की पार्टी हो गई अब इन पार्टीज की मजबूरी बन गई कि जो छोटी छोटी जो रीजनल पार्टीज थी उनसे अच्छे रिलेशन रखें क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट से भारत सरकार बनती थी तो अब जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज थी, पार्टी थी उनकी मजबूरी बन गई रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को वैल्यू देने की अगर सेंटर में उनके हेल्प से गवर्नमेंट बनी है उनकी तो स्टेट में अगर उनको परेशान करेंगे तो क्या होगा वो अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूट जाएगी या Dismiss हो जाएगी अपने आप ही मेजोरिटी तो टू सेवेंटी टू चाहिए ना अगर इतना नहीं होगा तो गवर्नमेंट अपने आप डिजोल्व uh, हो जाएगी है ना अब देखते हैं असली चीज सो इरा ऑफ कॉलिशन कॉलिशन क्या होता है कि कई पोलिटिकल पार्टीज साथ में आती हैं, अलायंस बनाती हैं. देखिए अलायंस वर्ड यूज हुआ सॉरी कॉलिशन हाँ समझाता हूं पहले देखिए दो चीजें हैं अलायंस एंड कॉलिशन अलायंस क्या होता है अब जैसे एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस तो ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज आप इलेक्शन से पहले इलेक्शन से पहले ही एक अलायंस बना लेती हैं और फिर इलेक्शंस और अपना सीट शेयरिंग अरेंजमेंट होता है उनका राइट तो इलेक्शन से पहले जो पार्टीज इकट्ठे आकर के अपना ग्रुप बनाती हैं उसको क्या बोलता है उसके बोलते हैं अलायंस और इलेक्शन के बाद तो जब नाइनटीन के बाद जब इलेक्शन होने लगे ना तो कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी मिल रही थी ना बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिल रही थी तो उन्होंने कॉलिशन बनाना शुरू किया कॉलिशन बनाना मतलब मान लीजिए किसी पार्टी को अब देखिए 272 सेवेंटी टू सीट्स हैं मान लो बीजेपी को 155 मिल गया अब इनको कितना और चाहिए इसको 272 बनाना है तो कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं कभी बीजेपी ने रामविलास पासवान का सहारा ले लिया कभी कांग्रेस ने लालू जी का सहारा ले लिया इस तरह से अलग अलग स्टेट्स में जो लाइक माइंडेड पार्टीज होती थी उनका

जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंटर में जिस जो गवर्नमेंट बनी है उसको वेरियस रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने अब जैसे कि देखिए तमिलनाडु का देखते हैं कभी ने बीजेपी को सपोर्ट किया तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन गई और अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने ए आई के पार्टी की जो लोकल लेवल पे डेवलपमेंट करने की जो डिमांड थी उन्होंने नहीं पूरी की तो जयलिता ने सपोर्ट वापस ले लिया था और अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट चली गई थी फिर से इलेक्शन हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए राइट तो इस तरीके से चीजें काम कर रही थी सो दिस लेड टू द न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट तो ये एक पहली चीज है जो नाइनटीन नाइनटी के बाद चेंज हो गई यानी जो सेंट्रल लेवल पे पार्टीज गवर्नमेंट बनाती थी मेजरली कांग्रेस और बीजेपी ही होती थी उनको स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट करनी पड़ गई मजबूरी बन गई राइट right? पहला तो ये था दूसरा एक मेजर जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का हुआ क्या कि में, कर्नाटका में एक गवर्नमेंट थी चीफ मिनिस्टर थे एस आर बम्बई एस आर बम्बई थे और वही चीज जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज 1990 से पहले क्या होता था पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बदमाशी करती थी वो जो सेंट्रल जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होती थी वो क्या करती थी आर्टिकल 356 का यूज करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करके वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा देती थे और आप लोगों को पता है प्रेसिडेंट का रूल वो किसका प्रेसिडेंट का रूल मतलब क्या हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल क्योंकि जो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पी जो बोलेंगे वही प्रेसिडेंट करते हैं प्रेसिडेंट की अपनी कोई इंडिपेंडेंट पावर तो होती नहीं है ना प्रैक्टिस में देखें तो राइट तो इस तरीके से होता था अच्छा जो मेजर डिसीजन आया एसआर आर का क्या राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी सेंटर में उन्होंने एसआर उन्होंने क्या किया कि प्रेसिडेंट का रूल हां कर दिया तो यह चले गए हाई कोर्ट हाई कोर्ट में इनको जस्टिस नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया कि प्रेसिडेंट का रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ऐसे कभी भी इंपोज नहीं कर सकती कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी उन्होंने अब वो उन मुश्किल हो गया है पहले पोलिटिकल पार्टीज जो जो पर्टिकुलर पोलिटिकल पार्टी थी होती थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी होती थी या तो बीजेपी होती थी या तो कांग्रेस होती थी कभी कभी अदर पार्टीज भी होती पार्टीज भी होती थी पर वो बहुत रेयरली ही हुआ है बहुत ही कमी हुआ है अब इनके लिए मुश्किल हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो गया है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को आसानी से हटा करके वहां पर आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स इंपोज कर दें उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफिकल्ट बना दिया है राइट एक तो अब कौन कौन से दो मेजर पॉइंट हो गए पहला कि रीजनल पार्टीज की जरूरत पड़ने लग गई नेशनल पार्टीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने के लिए और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया एसआर आर उसे बोलते हैं आप लोग इंटरनेट पे जाके पढ़िएगा आपको अच्छा लगेगा ब्रीफ में पढ़ लेंगे तभी अच्छा लगा सिक्स पॉइंट देखते हैं सिक्स पॉइंट क्या है मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्रेरी मैनर अब स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट मनमाने तरीके से सस्पेंड नहीं कर सकती थी बाय यूजिंग आर्टिकल थ्री फाइव सिक्स राइट दस फेडरल पावर शेयरिंग इज हाँ देखते हैं दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टूडे देन इट वॉज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स तो बहुत ही सिंपल था एक बार क्विक रिकैप रिक करते हैं कि जो सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे पहला 1990 से पहले और दूसरा 1990 के बाद 1990 के बाद दो ऐसी मेजर चीजें हुई एक तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया अब मनमाने तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो पार्टी होगी जैसे इस समय बीजेपी में मोदी जी हैं सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय uh, मोदी जी की गवर्नमेंट है राइट अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जिस पार्टी की गवर्नमेंट सेंटर में होगी उसके लिए आसान नहीं रह गया है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को uh, सस्पेंड करके वहां पे आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट्स का रूल लगा देना है ना ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दूसरा अब हर नेशनल पोलिटिकल पार्टी की जरूरत बन गई है जो छोटी छोटी स्टेट लेवल की पार्टीज हैं तो इस वजह से भी जो स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी वैल्यू बढ़ गई है और रिस्पेक्ट बढ़ गई है दोस्तों आई होप आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच